अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर है एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 6 है। मैंने सोचा है कि भाई आपको लेक्चर एमएस वर्ड तो देखा है, मगर आप ये चलाते हैं ठीक है मैं मानता हूँ, मगर आपको ये पता नहीं होता तो एमएस वर्ड है क्या चीज़, में क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब भाई ठीक है, बस आपने ये करना होता है भाई डॉक्यूमेंट, ये इंसर्ट हो गया, होम हो गया, ये चीज़ें हो गई, ये बस आप भाई कोर्स कर लेते हैं भाई, ये क्लियर हो गया। अगर आपको ये पता नहीं होता इसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम बना सकते हैं, मगर जब तक आपको इसका इंस्ट्रक्शन का पता नहीं होगा तो आप कैसे ये करेंगे भाई, ये क्या चीज़ है, हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या यूज़ नहीं कर सकते। बस आपको इसे चलाना तो भाई थोड़ा बहुत बस काम आ गया भाई ठीक है, नहीं भाई आप इसे पूरा सीखें जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो और मुझे जो आप अभी वीडियो देखेंगे मुझे फ़ायदा होगा। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे मेरे लिए वीडियो बन मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, आपका फ़ायदा होता है और आप देखते हैं और मेरा फ़ायदा होता है। अब चलिए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने करना है ना इसे कंट्रोल, जब बनाते हैं आप कंट्रोल एस मारा करें, जो भी चीज़ बनाए पेपर बनाए कोई भी चीज़ कंट्रोल एस मारेंगे तो आप ये सेव हो जाएगी ठीक है। सेव का ऑप्शन आएगा, पहले आपका ये होम हो गया, न्यू हो गया, न्यू में आप ये कर सकते हैं ओपन, ओपन हो गया, गेट रिटर्न इनवॉल्व सेव सेव एज, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज मोर कर सकते हैं ठीक है भाई। आपने ये भाई कोई चीज़ है एमएस वर्ड की बनाई हुई है, ये मिसाल के तौर पर मैं इधर लिखता हूँ शिराज हुसैन, हुसैन मैंने इधर लिख दिया हुसैन ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसे इधर इसका कलर दे देता हूँ, मैं इसका कलर लाल दे देता हूँ और इधर मैं ये देखें मैं ये कलर दे देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये देख हमने ये बड़ा कर दिया ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया, ये हमारा पास हो गया। और आपका अचानक इधर लाइट या आप लाइट चली जाती है, आप कंप्यूटर में बना रहे होते हैं लाइट चली जाती है, आपको पता नहीं होता भाई ये क्या चीज़ हम ठीक है भाई बना ले बना क्लियर हो गया, आपके माइंड में नहीं होता भाई ठीक है हम ये बनाएंगे पूरी हो जाएगी, अचानक लाइट चली जाती है और ये आपका ये ख़त्म शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा जो भी है डॉक्यूमेंट आपने बनाया होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप कंट्रोल एस मारते हैं ना ठीक है, कंट्रोल एस इधर आ गया, फिर इधर जाएं या फिर आप इधर भी वो कहता भी डिस्कटॉप में रखना चाहते हैं ब्राउज़र या कोई चीज़ जिधर आप रखना चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ, ये शराब कंट्रोल ये एस हो गया मेरा, ये सेव हो गया। अब मैं इसे इधर से हटा भी दूँ ना मैं दोबारा वो करूँ मेरा आ जाएगा इधर, ये मैं इधर वो उसी को सेलेक्ट करूँ मेरा वही इधर आ जाएगा, ये देखिए ये मेरा कंट्रोल, ये मैं ये शिराज हुसैन कहा गया ना भाई, आपको ये पता होना चाहिए। पहले सबसे पहले आपने इसे सेव करना है, सेव जैसे ही करेंगे आपको डॉक्यूमेंट जो भी जितना भी बनाया होगा वो सेव ही सेव रहेगा। अब आ गया हमारा होम, होम क्या चीज़ है भाई, हम इसमें ये शुरू करते हैं, ये पेस्ट कर सकते हैं, हम इधर कॉपी करके इधर उस पर क्लिक करेंगे ये पेस्ट हो गया, क्लिप बोर्ड जिसे कहते हैं, फॉर्मेट प्रिंट, प्रिंट हम इसे प्रिंट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ये हमारे पास हो गया। इधर हम ये क्लिप रियर पारी बॉडी हम इसे ये कर सकते हैं, यानी कि भाई बॉडी को क्लियर, यानी कि इधर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, मैं इधर मिसाल के तौर पर इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया ठीक है। अब इसका कोई भी कलर ये हो गया हमने ये दे दिया ठीक है भाई, ये हमने दे दिया ये आ गया। अब इसका हम ये इसकी भी रेंज बढ़ा सकते हैं, साइज इसका जो होता है वो हम इसे ज़्यादा भी करते हैं, फ़ॉन्ट साइज जिसे कहते हैं, बोल्ड हो गया, टेल हो गया और ये अंडरलाइन हो गया, ये ऐसे हो गया, ये आ गया हमारी ये फ़ॉन्ट साइज छोटा हो गया बड़ा हो गया, हम ये इसमें फ़ॉन्ट इसको ये हाइलाइट कर सकते हैं और इस कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, इसे वहाँ हम अपना पेपर जैसे हम पेपर बनाते हैं या डॉक्यूमेंट
ये हमारा पेपर डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए यहीं तक। हमने इधर भी क्लियर कर दिया, इधर भी। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं इसे इधर लेकर आता हूँ। मेरा दिल करता है इधर लेफ्ट में नहीं, राइट में, इधर उधर। मैं इधर भी सैर के तौर पर मैं सेंटर में कर सकता हूँ। और इसी को मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, मेरा ये देखें, ये आ गया। ये आपके, हम आप कोई भी चीज़ इधर से लगा सकते हैं भाई, आपको ये पसंद नहीं है वो लगा सकते हैं। ये ऐसे सारी हैं, हम इसमें कलर भी कर सकते हैं। मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी कलर इधर रख देता हूँ। ये मेरे पास ये हो गया, मेरे पास ये कलर है, वो हो गया। ठीक है भाई, अब आ गया हम इसे में, ये हाईलाइटिंग सबटाइटल जिस हेडिंग कहते हैं, हम हेडिंग इसमें दे सकते हैं। ये हो गया हमारे पर रिप्लेसिंग, हम चीज़ को भी रिप्लेस कर सकते हैं, वापस एडिटिंग कर सकते हैं। एड आइकन, एड आइकन, ठीक है भाई। अब हम चलते इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट हमारी क्या चीज़ है, और हम इसमें क्या क्या चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। कवर पेज हो गया, ब्लैंक पेज, खाली होगा पेज, पेज ब्रेक कर सकते हैं आपके, इसके दो टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है भाई, पेज हमारा क्लियर हो गया। टेबल, टेबल हम इसमें, टेबल जैसे हम एक्सेल वगैरह या कोई इसमें टेबल भी बना सकते हैं। ये देखें, मैं इसी की टेबल, ये मेरे पास ये टेबल हो गई। ठीक है, दोबारा इंसर्टमेंट चलते हैं। ये पिक्चर, हम इधर से कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा 30 PC में ओपन हो गया। मैं अब यही सेलेक्ट करके ये पिक्चर इधर लगा देता हूँ। ये देखें, मेरी ये पिक्चर लग गई। ठीक है भाई, ये मेरी पिक्चर लग गई। मैं दोबारा, हम उधर सब में जाते हैं। अब शेप्स, हम कोई भी शेप हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये मेरे पास, मैं इसे लगाना चाहता हूँ यहीं पे। मैं इसका कलर कोई भी रखना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये देना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं इधर ये चेंज कर देता हूँ, ये रख देता हूँ। ये देख, मेरा कलर ये हो गया। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। ठीक है, पिक्चर शेप्स को पता लग गया। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट हमारे पास, हम इस तरह से भाई कोई भी चॉइस करके ये लगा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, साइकिल, लाइट्स, प्रोसेस, ये वगैरह हो गए। इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं आपको ये पूरा लेक्चर इसका बता दूं भाई, ये क्या क्या चीज़ है। ठीक है भाई, चार्ट, ये चार्ट हम इधर से चार्ट लगा सकते हैं। ये हमारे पास चार्ट आ गए, हम इधर से चार्ट जैसे एक्सेल में वगैरह में इसमें इधर में लगाए जाते हैं। ये वो चीज़ है। स्क्रीन शॉट, हम इधर से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका। ऑनलाइन, ऑनलाइन वीडियो, वो लिंक को हम इसमें कर सकते हैं। बुक मार्क्स, कोर्स वगैरह, हम इसे कमेंट भी कर सकते हैं। हेडर, हेडर हम उत्तर ऊपर लगता है और फुटर नीचे आता है। पेज नंबर, पेज हम इसका पेज नंबर कौन सा लगाना चाहते हैं, हम इधर से सेलेक्ट करेंगे। हमारा बॉटम, राइट, लेफ्ट, ये हो गया। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं इसमें। और टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम वो चीज़ें वगैरह लिखते हैं। क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट हो गया हमारे पास। साइन, सिग्नेचर, हम सिग्नेचर लाइन पे देखा। डेट टाइम, इसकी डेट टाइम क्या है। ऑब्जेक्ट, हम इधर क्वेश्चन से सिंपल वगैरह, ये हमारे पास ये क्लियर हो गई। अब हम आते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन क्या चीज़ है, जैसे हम इधर थीम वगैरह हम इसका चेंज करते हैं भाई, हमें ये अच्छा लगता है, ये हमने ये लगाना है, ये लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इधर कलर, इसका कलर भी कौन सा लगाना चाहते हैं, इसमें से कलर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, फॉन्ट, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ स्पेसिंग हो गई, इफेक्ट, इफेक्ट हो गया, सेट है, डिफ़ॉल्ट हो गया, हमारे पास ये हो गई। वाटर मार्क, हम जैसे इधर वो करते हैं, बस थोड़ा सा हिंट आपको ये दे दूँ, हम जैसे ये पेपर बनाते हैं, मैं ये लगाता हूँ हमारे पास, हम पेपर बनाते हैं या जैसे हम एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हैं, तो हमारे पास इधर वो लगा होता है पंजाब की या कोई भी चीज़ इधर, सिटी वगैरह, हम कॉलेज होते जाते हैं इधर। ये पेज कलर हो गया, हम इसमें इसको सेलेक्ट करेंगे और ये देखें, ये मैं ये कर लेता हूँ, मेरे पास ये हो गया। ठीक है भाई, ये मेरे पास पेज कलर लग गया। अब आते हैं बैकग्राउंड पे, पास हम इधर बॉर्डर पे आ गए, मैं ये चॉइस कर लेता हूँ और इधर सेलेक्ट कर लूँ, हमारा पास ये बॉर्डर लग गया। अब चलते हैं लेआउट की तरफ। लेआउट भाई क्या चीज़ है, मर्जिन, मर्जिन मतलब ये नहीं कि नॉर्मल रखते हैं, रखना चाहते हैं जिसमें हम छोटे सा साइज कर सकते हैं। हमारे पास ये नॉर्मल है, नेरो करते हैं इससे ये छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई,
ये हमारा छोटा हो जाएगा और इसका ये साइज हो जाएगा, और इससे ये नीचे वियर्ड ऐसे हो जाएगा, इसकी ये चीज़ें खासियत ओरिएंटेशन हमारी, ये ओरिएंटेशन लैंड सफेद ओपरटेशन वगैरह साइज हो गया। अब साइज की तरफ आते हैं, साइज लेटर्स इन्वर्टेबल्स लीजल्स स्टेटमेंट्स A3 वगैरह हम इसमें ये लगा सकते हैं। और इसमें कॉलम, हम कॉलम कितने भी 2 लगा सकते हैं, कॉलम हम 1 लगाएं तो 1 एक ही लाइन में एक एक ही आ जाए, वो 2 हम एक ही पैराग्राफ पे, हम जैसे हमारे पास एक पेज होता है, हम इस पेज पे ना दो लाइंस लिख सकते हैं। वो कैसे, हमने इधर लिखा क्विक फोकस ब्राउन, ये लिख दिया हमारी ये क्लियर हो गई, बीच में इधर आ गई, क्योंकि अब जो दरमियान वाली जगह बचे भी हम उस पे ये दूसरे ले गए, जैसे ये निशान बता रहा हम इस पे दूसरी दूसरी इधर लिख सकते हैं, दूसरी लाइन आ जाएगी हमारी, जैसे हम इंटर दबाएंगे तो इधर आ जाएगी। और थ्री थ्री का मतलब हमारी थी थ्री लाइन हम एक में लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी ये एक लाइन इधर क्लियर हो गई, ठीक है, हमारे फिर हम इधर दो तीसरी लाइन लिख सकते हैं, फिर हमारा चौथी, जैसे हम इधर कोई आप वो स्टोरीज वगैरह में होती हैं पोइम्स, पोइम जिसे कहते हैं पोइम्स में होती हैं हमारी इधर, दो दो तीन तीन बनी होती हैं इसी का, वही लेफ्ट राइट सी ये होता है, वो राइट सी ये भी होगा, मोर कॉलम्स, हम मोर कॉलम में भी जा सकते हैं, इसमें से बहुत ही चीज़ मिल सकती है हमें, ठीक है भाई। ब्रेक्स, हम इसे ब्रेक लगा सकते हैं, ये हो गया कॉलम्स, वो टेक्स्ट में वेब रेफरेंस नेक्स्ट पेज में ऐसे इधर ये हो गया हमारे क्लियर। अब हम इधर आते हैं हैप्पी नेशन चेंज, हैप्पी नेशन आ गया, अब हम इधर लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट कर्सर दे देते हैं, राइट्स करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी लेफ्ट इधर लिखी लिखेगा, आप उधर बोल राइट लिखेगा, ठीक है। अब ये हमारी ये स्पेसिंग होगी, हम इसमें स्पेस कितनी देने चाहते हैं वो स्पेसिंग बता रहा है भाई, आप इधर कितनी स्पेसिंग देने चाहते हैं, और इधर आ जाए सिलेक्शन पैन, सिलेक्शन वो कहते हैं भाई अपना सिलेक्शन करें, और ये हाइड कर सकते हैं, शो ऑल भी कर सकते हैं इसमें, अलाइंज अलाइंज ये हो गया, अलाइन टू पेज, अलाइन टू मर्जिन, यूज अरेंजमेंट काइंडनेस व्यू ग्रिड लाइंस ग्राइड सेटिंग, ठीक है। अब हम आते हैं इधर रेफरेंस, आज ये ही बताते हैं क्योंकि ये लेक्चर हमारा बहुत सा ज़्यादा टाइम हो गया है, और कल के लिए दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, बस आखिरी ये रेफरेंस मैं आपको बता दूँ, रेफरेंस क्या चीज़ है, टेबल कॉलम्स हो गए, कल टेबल ऑफ कंटेंट्स भाई, इधर कंटेंट एड टेक्स्ट भी कर सकते हैं हम इसमें, टेबल टेबल में टेक्स्ट भी कर सकते हैं, अपडेट टेबल भी कर सकते हैं हम, ये मैंने सोर्स ये वगैरह हो गई, ठीक है। रिसर्च, हम इधर रिसर्च भी कर सकते हैं, मार्क इंट्री भी कर सकते हैं, कैप्शन वगैरह जिसे हम कहते हैं वो भी करते हैं, मैंने सोर्स स्टाइल वगैरह कोई हम इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो आ